नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक उमेश पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि सरकार ने COVID-19 से रिलेटेड जो नई गाइडलाइन जारी की हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सरकार ने 2 पेज की टोटल गाइडलाइन जारी की हैं जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाऊँगा और समझाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि सरकार ने क्या क्या नई गाइडलाइन जारी की हैं, आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो ये गाइडलाइन जो भी हैं सरकार ने जारी की हैं वो नॉर्मल लॉकडाउन में भी लागू रहेंगी और 20 अप्रैल से सरकार जो कुछ रियायतें देने जा रही है कंपनियों के लिए, ऑफिसेज के लिए, जो ऑफिस खुलेंगे और जो कंपनियां खुलेंगी उनके लिए ये गाइडलाइन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें करने जो काम करने वाले, जो ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, कंपनी में काम करने वाले जो लेबर हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको इसकी जानकारी मिल सके। ये वीडियो दोस्तों नॉर्मल पब्लिक के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में काम करने नहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन में अपने घर पे ही हैं, उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने कुछ नए नियमों में बदलाव किए हैं और वो नियम सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस पर कोरोना से रिलेटेड जो भी अपडेट सरकार नई गाइडलाइन जरूर करेगी उस पर मैं वीडियो आपके लिए बना के जरूर अपलोड करूँगा, तो वो भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचता रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सरकार ने जो पहली गाइडलाइन जारी की है वो है पब्लिक स्पेसेस के बारे में। पब्लिक प्लेस जो हैं वहाँ पे सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है सरकार ने सबसे पहली गाइडलाइन जारी जो की है वो उसमें सरकार ने कहा है कि मास्क पहनना सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने घर से बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा, उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जाएगी। दूसरा यहाँ पे कहा गया है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है या कंपनी है, उनके मैनेजर हैं या पब्लिक प्लेसेस में जो भी गार्डन पार्क है उनके इंचार्ज हैं, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे 5 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे 5 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों और अगर लोग हैं 5 लोग हैं तो उनके बीच में 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी ज़रूरी है। अगली गाइडलाइन जो है, जो जैसे मैरिज है, किसी कोई व्यक्ति जहाँ पे कहीं गुजर गया है उसका अंतिम संस्कार करना है, ऐसे लोगों के लिए जो है जो जिला अधिकारी हैं उनके नियमों के अनुसार ही वहाँ पे लोगों को अपना काम करना होगा, शादी या अंतिम संस्कार का काम जो है। दूसरों एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सरकार ने थूकना जो है स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में, ओपन एरिया में नहीं थूक सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी और आपके लिए जो है इसके ऊपर आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने जो है दारू, मतलब शराब, गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, इस तरीके की चीज़ों पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। इसका आप यूज़ ना तो आप इसे बेच सकते हैं और ना ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, आपको सज़ा मिलेगी। इसमें थूकना भी इंक्लूडेड है। अगली गाइडलाइन जो मैं बताता हूँ वो दोस्तों वर्क स्पेस के बारे में है। जहाँ पे कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पे क्या गाइडलाइन सरकार ने दी हैं। तो सरकार ने यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो भी ऑफिस हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पे जो है सैनिटाइजिंग के अरेंजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे थर्मल स्क्रीनिंग है वो उसकी फैसिलिटी होना ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइजर्स हैं ये अवेलेबल होना ज़रूरी है, लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ये काम जो है कंपनी के मालिक और ऑफिस के इंचार्जेस का है कि उस लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। यहाँ पे इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, जहाँ पे शिफ्ट में काम चलता है, अगर एक शिफ्ट ख़त्म हो रही है दूसरी शिफ्ट चालू करने के लिए इसके बीच में 1 घंटे का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना 1 घंटे के गैप के दूसरी शिफ्ट चालू नहीं की जाएगी। जब लंच हो रहा है तो इसमें लोगों को ध्यान रखना है कि भाई 6 लोग जो हैं कंपनी कैंटीन में जहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे वहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हों, एक साथ बैठ के खाना ना खाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना लंच करें और लंच करने के तुरंत बाद जो है वहाँ पे जो है सफाई की जाए। ये इसको जो है इंश्योर करना होगा कंपनी के हेड्स को, कंपनी के जो इंचार्ज हैं, CEO, मैनेजर जो भी, उनको ये इंश्योर करना होगा कि वहाँ पर सफाई ज़रूरी है, हाइजीन का खास करके ध्यान रखना है। 65 साल से ऊपर की जिनकी उम्र है उन लोगों को अपने घर से काम करना है। जो डायबिटीज़ से या जिनको किसी की दिल की बीमारी है, इनको कोरोना का संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, तो इन लोगों को अपने घर से काम करना है, इन लोगों को ऑफिस नहीं जाना है। जो लोग 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनको घर पे ही रह के काम करना है, ऑफिस नहीं जाना है।
और जिनके बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग घर से बैठ के ही काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी ऑफिस जाने के लिए या कंपनी में आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। एक और गाइडलाइन दोस्तों आपको बताता हूँ, आरोग्य सेतु ऐप जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है उसको हर किसी को डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी ऑफिस में कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु का ऐप जो है डाउनलोड कर लें और दूसरों को भी उसको डाउनलोड करने के लिए बताएं। लार्ज मीटिंग और गैदरिंग जो हैं वो जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दी गई हैं। आप लार्ज बहुत बड़े संख्या में लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग नहीं कर सकते, कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी में जब एक शिफ्ट ख़त्म हो रही है और दूसरी शिफ्ट चालू हो रही है तो इसके बीच के लिए जो 1 घंटे का गैप दिया गया है उसमें जो है कंपनी के पूरे एरिया को डिसइंफेक्टेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको सैनिटाइज किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा, इसलिए वो 1 घंटा दिया गया है। अब जब बात आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट की, जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, जैसे कपड़ा बन रहा है या दवाइयाँ बन रही हैं, खाने की चीज़ें जहाँ पे बन रही हैं, वहाँ पे क्या क्या सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं, तो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑफ कॉमन एरियाज, जितने भी कॉमन एरिया हैं उनकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती रहे, हर घंटे में या आधे घंटे में या 2 घंटे में, जैसे भी है उनकी क्लीनिंग उनको करवानी पड़ेगी। कॉमन सर्फेस जैसे दीवारें हैं, टेबल हैं, चेयर्स हैं, और हैंड वॉश जो है वहाँ पे अवेलेबल करवाने पड़ेंगे लोगों के लिए। लोग अपने साथ हैंड वॉश लेके नहीं घूमेंगे कोई भी, सब लोगों को हैंड वॉश जो है कंपनी ऑफिस में ही मिलेगा, वहीं पे उसका यूज़ करना है। शिफ्ट जब चेंज हो रही तो कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, 1 घंटे का गैप होना ही ज़रूरी है। स्टेगर नहीं होना है, लोगों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना है, स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। लंच के टाइम में कैफेटेरिया में कैंटीन में लोगों को इकट्ठा होकर लंच नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही लंच अपना अपना करना है। और इसकी जिम्मेदारी भी कंपनी के हेड की है, इंचार्ज की है, उसको ये ध्यान देना होगा कि कर्मचारी या मजदूर जो भी हैं वो इकट्ठे होकर लंच ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही अपना खाना खाएं। और इस चीज़ की जो हाइजीन मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इस चीज़ की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी लोगों को और उनको जो है इसके जो है जानकारी देनी जरूरी है। ये काम जो है कंपनी के हेड का और ऑफिस के हेड का है, उन लोगों को अपने मजदूरों को अपने कर्मचारियों को इसकी जानकारी बार बार देनी पड़ेगी, इसकी ट्रेनिंग भी देनी होगी। दोस्तों अब चलते हैं अगली गाइडलाइन की तरफ जो सरकार ने जारी की है। ये तो हो गई पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और इस मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो अभी आपको बताता हूँ कॉमन जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है वो क्या है। एंट्रेंस गेट किसी पब्लिक सेक्टर का है या कंपनी का है, ऑफिस का है, एंट्रेंस गेट इंक्लूडिंग बिल्डिंग, इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैफेटेरिया और कैंटीन को सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, ओपन एरियाज हैं, जितने भी अवेलेबल हैं उनको सैनिटाइज करना ज़रूरी है। बरामदा है, बरामदा का गेट है, बिल्डिंग का गेट है, और बंकर्स जो हैं, गोदाम वगैरह हैं, उनको सैनिटाइज करना बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको हर बार हर टाइम टू टाइम जो है उनको सैनिटाइज करना आपको ज़रूरी है। इक्विपमेंट एंड लिफ्ट्स, जितने भी मशीनरी हैं ऑफिस में या ऑफिस में कंप्यूटर्स हैं, कंपनी में मशीनरी वगैरह हैं, उनको सैनिटाइज करना ज़रूरी है, डिसइंफेक्टेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी लिफ्ट लोग यूज़ करते हैं उसको डिसइंफेक्टेड करना ज़रूरी है। सरकार ने यह भी गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप ज़रूरी हो तभी लिफ्ट का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप स्टेयरकेस का यूज़ करना जो है शुरू करें, लिफ्ट को यूज़ करना बंद कर दें। लिफ्ट और हॉइस्ट को यूज़ ना करें, स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ने उतरने का काम करें उसी को यूज़ करें, उसमें आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप लिफ्ट यूज़ करते हैं, जैसे 8 लोगों की लिफ्ट है तो उसमें 2 या 4 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यह कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों यह है कि जैसे वाशरूम है, टॉयलेट्स हैं, वाटर पॉइंट्स हैं, इनको भी सैनिटाइज करना बार बार टाइम टू टाइम ज़रूरी है। ये सब कंपनीज़ को और ऑफिस के इंचार्ज को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सैनिटाइज हो रहे हैं वाशरूम, टॉयलेट्स और पानी के पॉइंट, कूलर वगैरह जो है ये सब सैनिटाइज होने चाहिए। कंपनी में जितने भी या ऑफिस में जो भी काम करने वाले आ रहे हैं बाहर से, वो लोग पब्लिक सेक्टर के व्हीकल से नहीं आएंगे, कंपनी और ऑफिस के लोग ऑफिस को ही अपने प्राइवेट व्हीकल्स उनको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, स्पेशल व्हीकल, वही उनको घर से पिकअप करेंगे और घर पर काम करने के बाद उनको घर तक छोड़ के आएंगे। जो भी व्हीकल कंपनी ऑफिस लोगों को प्रोवाइड कराएगी, मजदूरों को या कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगी, अगर जैसे 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है एक बस में, तो उसमें 40 या 30 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, ये सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। 100 लोगों की बस में सिर्फ 40 लोग ही बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दीवारें वगैरह साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी वाहन कंपनी के परमिसेस में या ऑफिस के परमिसेस में बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, उनको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग जो है, जो भी आदमी कंपनियों में ऑफिस में अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है। हैंड वॉश के लिए प्रोविजन बना दिया गया है। सैनिटाइजर प्रेफर करना है विद टच फ्री मैकेनिज्म। जैसे सैनिटाइजिंग टनल आपने देखा होगा, न्यूज़ में बता रहे हैं सैनिटाइजिंग टनल बना दी गई है काफ़ी जगह पे। तो जो भी कंपनी अपने काम चालू करवा रही है, जहाँ पे ऑफिस में काम चालू हो रहा है, वहाँ पे सैनिटाइजिंग टनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को बिना छुए लोग अपने आप सैनिटाइज उसमें हो जाएं। ऐसी व्यवस्था करना वहाँ पे ज़रूरी है, ऐसी व्यवस्था कंपनी को करनी पड़ेगी, तभी वहाँ पे काम चालू होगा। सरकार की शर्त है, इसी शर्त के ऊपर जो है कहीं पे भी काम चालू होगा। इसकी इन शर्तों को जब तक लोग इन फैसिलिटी को उपलब्ध नहीं कराएंगे, वहाँ पे काम चालू नहीं होगा। लार्ज गैदरिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं। 10 या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे कहीं पे हो रहे हैं, कंपनी में कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ पे 6 फीट की दूरी एक दूसरे के बीच में मेंटेन होना ज़रूरी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, और सबसे लास्ट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स नियर बाई जो भी हैं, क्लिनिक्स जो हैं, जो भी हैं नियर बाई आपके वर्किंग प्लेस के आसपास के जो भी नियर बाई क्लिनिक हैं, ऑफिस हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोरोना का इलाज ऑथराइज किया है सरकार ने, उनकी जानकारी, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में 24 घंटे अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी टोटल गाइडलाइन जो कि मैंने आपको बताई। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हुआ हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें।